हेलो नमस्कार, खमा गणित, जय श्री कृष्णा, संस्कार क्लासेज के शेर से न्यू। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए 25 बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए इन 25 क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आप लोगों को बता देते हैं, देखिए BSTC 2023, ठीक है, अगर आप पास करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9680-8187-98। इस नंबर पर आप BSTC स्टूडेंट लिखकर हमें भेज दो, जिससे कि हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ दें और वहां पर आप लोगों के PDF दें और क्वेश्चन भी दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा ये देखिएगा। राज्य के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करती है? नागौर, अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर। पशु मेले का आयोजन कहां पर करती है? नागौर। और ये नागौर कहां पर पड़ता है? पर्वत सर, ना पर्वत सर, पर्वत सर नागौर, नागौर के अंदर पर्वत सर पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है, ठीक है। स्थापना 1113 ईस्वी के अंदर होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल, माही, बनास, जाखम। बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए ये बनाया गया आपका बनास नदी पर, बनाया गया आपका बीसलपुर बांध। अगला क्वेश्चन देखिएगा। खनिजों का अजाब घर कहलाता है, देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। खनिजों का जो अजाब घर कहलाता है वो आपका राजस्थान कहलाता है। कौन सा कहलाता है? राजस्थान इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राज्य के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करती है? नागौर में, अजमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में। सबसे ज्यादा आयोजित कहां पर करती है? नागौर के अंदर करती है। प्यारे बच्चों, नागौर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला देखिएगा। राजस्थान के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी, विस्तृत क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाली मिट्टी, भूरी, लाल, रेतीली या पीली। देखिए बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन रहने वाला आपका। देखिए रेतीली इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी रेतीली। और हाँ, आप लोगों से निवेदन है, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो एक बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी को शेयर कर दो, क्योंकि प्यारे बच्चों अपने चैनल की जड़ जड़ हालत हुई पड़ी है और आप लोग इसकी सपोर्ट कर मदद कर आगे पहुंचा सकते हैं। अगला देखिए। देखिए मृदा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी नहीं है, लूनी, चंबल, बनास या माही। मृदा अपरदन के अंदर देखिए चंबल आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी चंबल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य में विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रारंभ किया गया उसके बारे में पूछा गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? अप्रैल देखिए 1973 इज द राइट आंसर होगा, अप्रैल 1973 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। आंकल बुड भूमिज पार्क कहाँ पर स्थित है? गंगा नगर में, बीकानेर में, उदयपुर में, सिरोही में, जैसलमेर, बाड़मेर में, सिरोही और चित्तौड़गढ़ के अंदर। आंकल बुड ये पर पड़ता है आपका जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। देखिए राज्य के वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं? राज्य के देखिए सालर होगा, सागवान होगा, धोंक होगा, बबूल होगा। प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा धोंक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी धोंक हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया वो आपका 15 अगस्त देखिए 1779 इज द राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मरुक्षेत्र उत्थान संस्थान जोधपुर काजरीन प्रारंभिक तौर पर कब स्थापित हुआ था? ठीक है, ये 1948 में, 52 में, 57 में या हो जाएगा आपको 1963 के अंदर। इसका आंसर देखो 1952 आपका बिल्कुल सही होगा, आपका 1952 इज द राइट आंसर होगा आपका बी आंसर, ठीक है। चलो इंदिरा गांधी नहर योजना क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किस देश के सहयोग से है? जापान से, अमेरिका से, कोरिया से, ब्रिटेन से। इंदिरा गांधी नहर योजना क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किस देश के सहयोग से होगा? देखिए जापान इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जापान हो गया है। अगला देख लेते हैं। केंद्रीय मरुक्षेत्र संस्थान अनुसंधान संस्थान काजरीन कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में। ये कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है, जोधपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। अगला देख लेते हैं। राज्य का एकमात्र हिमीकृत वीर्य बनाने वाला केंद्र कौन सा है? बस्सी जयपुर, ओसिया होगा, सेवर होगा, प्रतापगढ़ होगा। प्रतापगढ़ को बसाया देखिए 26 जनवरी,
जनवरी 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को बसा बनाया गया था। ठीक है, सेवर कहाँ पर है? देखिए सरसों अनुसंधान जो केंद्र है ना वो कहाँ पर है? वो सेवर भरतपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर पड़ेगा, सेवर भरतपुर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका तो बस्सी जयपुर के अंदर है। ठीक है, चलिए, मलानी नस्ल के घोड़े विशेष रूप से कहां पर पाए जाते हैं? क्या बात है ना। देखिए सिवाना, बाड़मेर, बस्सी, या जोड़बीड़ होगा या खेतोली होगा। देखो आंसर क्या होगा? सिवाना बाड़मेर इज द राइट आंसर, सिवाना बाड़मेर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म के बारे में बात करते हैं। देखिए, रामदेवरा पशु मेला मानासर नागोम, जसवंत पशु मेला भरतपुर, तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागोम, या पुष्कर पशु मेला अलवर। ठीक है, आंसर देखो भाई, इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर, पुष्कर पशु मेला अलवर। क्योंकि पुष्कर का पशु मेला अलवर के अंदर नहीं लगता है, ये आपका अजमेर के अंदर लगता है, अजमेर। ठीक है, लिख लेना अजमेर के अंदर। ठीक है, अगला देखेगा, देश का दूसरा तथा राज्य का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थित है? कोटा में होगा, रावतबाटा में होगा, अंत भवन होगा, खेतोली, जैसलमेर के अंदर होगा। ठीक है, आंसर देख लो, इसका आंसर होगा आपका क्या होगा? देखिए इसका हो जाएगा रावतबाटा, चित्तौड़ इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई है 1985 में, 87 में, 90 में या 92 में? राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए हो जाएगा आपका 1985, कब? 1985 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, माही विद्युत परियोजना किस जिले के अंदर है? झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, बारा के अंदर? माही विद्युत परियोजना किस जिले के अंदर है? ठीक है, इसका आंसर देख लेना है, इसका होगा बी आंसर, बांसवाड़ा इज द राइट आंसर होगा, बांसवाड़ा। माही विद्युत परियोजना कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर होगी। अगला देखिएगा, राज्य में सर्वाधिक विद्युत शक्ति का स्रोत है? ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु विद्युत या सौर ऊर्जा? आंसर देख लेना है, ताप विद्युत आपका बिल्कुल सही होगा, ताप विद्युत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले देखिए आप लोग ना, पता है आप लोगों को, आप ही हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, बेस्ट आगे चैनल को ले जा सकते हैं। आप लोगों का प्यार प्रेम लेना बहुत जरूरी है, तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर जिले के किस स्थान से हीलियम गैस के भंडार मिले? गोटारू, तनोट, सादेवाला या मनिहारी टीवा? ठीक है, इसका आंसर देख लेना है, इसका गोटारू इज द राइट आंसर होगा आपका, गोटारू, ऑप्शन नंबर ए गोटारू। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गजब का क्वेश्चन है भाई, राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे ना उनके बारे में बताना है। ये हो जाएगा आपका सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह इज द राइट आंसर होगा, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या होगा? राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि को है वह कौन सा होगा? वर्तमान स्वरूप है जो, ये होगा आपका 1 नवंबर 1956 को। कब होगा? 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन देख लेना, राजस्थान नगर फीडर की कुल लंबाई है? राजस्थान नगर जो फीडर की कुल लंबाई है ना वो कितनी होगी? ठीक है, आंसर देख लो भाई, ये होगी आपकी 204 इज द राइट आंसर होगा आपका, 204 किलोमीटर में आप लोग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन होगा वो कमेंट सेक्शन में बताना है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर या हो जाएगा अजमेर? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, आंसर देख लेना है, इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? जैसलमेर होगा, और जैसलमेर को पीला पत्थरों का शहर भी बोला जाता है। ठीक है, और देखिए इसे 12वीं सदी में क्या होगा, 12वीं सदी में इसे बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राजस्थान के कौन से स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? माउंट आबू, उदयपुर, जयपुर या डूंगरपुर? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर ही देना, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।